दिव्यो और सच रो द नेक्स्ट राइजिंग करोड़पति मिस्टर मितेश पटेल। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए मिस्टर मितेश पटेल जी के लिए। बहुत बहुत बधाइयां, ह्यूज कंग्रेचुलेशन फॉर बीइंग द राइजिंग करोड़पति। और इससे पहले कि हम मितेश जी को सम्मानित करें, आइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा मिलेनियर्स वर्ल्ड फैमिली का, दीपल मैम का, नीलेश सर का, आज मुझे यहाँ पे राइजिंग करोड़पति का अवार्ड देने के लिए। दोस्तों, ये एक ऐसा टीम है जहाँ पे आपको लेवल के हिसाब से नहीं, पर आपको आपके इनकम के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया जाता है। दोस्तों, नाम है मेरा मितेश पटेल, मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। और ये बिजनेस मैंने तब शुरू किया था जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मेरे पापा के एक फ्रेंड है, वो हमारे घर आए थे और उन्होंने हमें वेस्टिज के प्रोडक्ट और प्लांट के बारे में बताया था। तब मुझे इतना पता नहीं चला था, पर मुझे एक बात पता चल गई थी, ये बिजनेस के अंदर कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं भरने हैं, ना ही आपको बैंक से लोन लेना है और ना ही आपको किसी से उधार लेना है। अगर यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। मैंने तुरंत ये बिजनेस करने का डिसीजन लिया। और आपको पता ही है, जब भी हम कोई अच्छा काम करने का डिसीजन लेते हैं तो दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। और ऐसा ही दोस्तों मेरे साथ हुआ। जब मैं मेरे कॉलेज के फ्रेंड और स्कूल के फ्रेंड को ये बिजनेस के बारे में बताने के लिए गया तो वो लोग बोलने लगे, इतने पढ़े लिखे होने के बाद क्या ये साबुन शैम्पू चाय बेचना है। उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। फिर मैंने स्ट्रेंजर लोगों को बताने का शुरुआत किया जो मेरे से एज में बड़े थे, तो वो लोग बोलने लगे, अरे तू तो अभी बच्चा है, तू हमें क्या पैसा कमाना सिखाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, पर मुझे एक बात पता थी, अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको बहुत सारे लोगों की ना सुननी पड़ेगी। जो जितनी ज्यादा ना सुनेगा उसको उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। और विस्टिज के अंदर मुझे पहली सफलता ये मिली कि जैसे मेरी पढ़ाई खत्म हुई मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी है। दोस्तों, आज तक मैंने कोई रिज्यूम नहीं बनाया हुआ है। अगर मैं नौकरी करने के लिए जाता तो वहां पे आज मैं महीने के 20 से 25 हजार रूपए कमा रहा होता, पर आज मैं विस्टिज से महीने के 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए की इनकम कर रहा हूँ यहाँ पे। और इतना ही नहीं, अगर मैं नौकरी करने के लिए गया होता और वहां पे मुझे अच्छी गाड़ी लानी होती तो 10 से 15 साल लग जाते, पर आज मैं यहाँ से 8.5 लाख रुपए की बलेनो कार ले चुका हूँ। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में मैं फॉरेन ट्रिप जा पाऊंगा, पर विस्टिज की वजह से मैं 6 बार फॉरेन ट्रिप कर चुका हूँ। अबू धाबी, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, और 2 बार क्रूज की ट्रिप किया है मैंने। अगर मैं वेस्टिज करने का डिसीजन नहीं लिया होता दोस्तों, तो मैं इंडिया तो दूर, गुजरात बाहर भी दोस्तों घूम नहीं पाता। और अगर आप भी ऐसी सफलता चाहते हो दोस्तों, तो आपको इस बिजनेस के अंदर टिके रहना पड़ेगा और आज आपको यहाँ पे जो कन्वेंशन के अंदर सिखाया है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और जब आप दोस्तों काम करने की शुरुआत करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं करना है। अगर आप प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम्स और बड़े होंगे। आपको सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। अगर मैंने भी प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस किया होता तो दोस्तों आज मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। और लास्ट में मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन का, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है यहां तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच माय ग्रेट अपलाइन चिराग पंड्या सर, एंड थैंक्स करना चाहूंगा उनके भी अपलाइन ईश्वर पटेल सर का एंड कल्पेश राठौर सर का। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।